बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बगैर दही के चाट। तो क्या नाम है इसकी? लोबिया और सफ़ेद चने की। वो मैं शुरू करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ये प्याला भरा हुआ मैं उबले हुए चने डाल रही हूँ। एक ही प्याला भरा हुआ सुर्ख लोबिया डाल रही हूँ। ये हो गया। और एक प्याज छोटी कटी हुई, एक टमाटर छोटा कटा हुआ, ये थोड़ी सी बंद गोभी, ये है एक आलू बड़े साइज का उबला हुआ, और अब मैं डालने लगी हूँ मसाले। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून खटाई पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हो डालो, नहीं तो ना डालो। और ये है खट्टी मीठी चटनी, इमली और गुड़ की। साथ मैंने सौंठ डाली है, नमक डाला है और सुर्ख मिर्च थोड़ी सी डाली है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। ये मैं 4 टेबलस्पून, 4 से 5 टेबलस्पून ये डाल दें। और ये है हरी चटनी, ये देखें कितना हरा रंग है इसका। इसमें मैंने डाला है आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी धनिया, 2 हरी मिर्च, नमक थोड़ा सा सफ़ेद और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सा जीरा, 1 जवा लहसुन का और लेमन जूस, ये भी मैं 3 टेबलस्पून जितनी डाल रही हूँ। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करने लगी हूँ। अगर दही डालना चाहते हैं बेशक डाल लें, या ऐसे ही बना के रख लें, दही को साथ मिक्स करके रखें और फिर प्लेटों में सर्व करते वक्त ऊपर से दही भी डाल लें। चटनियां साथ रखी हुई हैं मैंने, अगर और किसी को चाहिए हुई तो साथ प्लेट में डाल सकता है। ये बहुत ही मज़े की चाट होती है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती, क्योंकि ये इबादत का महीना होता है, ना कि खाने पीने का महीना है, और सब्र का और इबादत का महीना है। ये नहीं है कि खाने के लिए रंग बिरंगी ये रेसिपियाँ पहले ही सीख लें और बना के खाते रहें, ये नहीं, ये इस चीज़ को मैं नहीं पसंद करती।